मोहतरम जनाब शौकत साहब सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से नशीन बदशरी शर्मा जिला सदर वसीम अहमद साहब मोहतरम जनाब मरहूब आलम साहब मेहताब चौहान साहब जनाब फरहान जुबेरी साहब मंसूर अली खान साहब हमारे भाई मोहतरम जनाब पवन राव अम्बेडकर साहब गुलाम साबिर साहब इमरान साहब मौजूद जुलमा इकराम मौजूद हाजरीन इकराम बुजुर्गान मिलत मेरे गयूर नौजवान साथियों मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इस जलसे में शिरकत की। ये मेरे लिए बड़ी ही इज्जत की बात है कि मैं एक तारीखी मुकाम में यहाँ पर आकर आपके दरमियान में खड़े होकर मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। ये वो सरजमीन है जिसने इल्म की शमा को रोशन किया, ये वो सरजमीन है जहाँ से सारी दुनिया तक और सुबह क़यामत तक तौहीद का पैगाम आम होता रहेगा, ये वो सरजमीन है जहाँ से उलमाए किराम में निकलकर जहालत का और शिर्क का खात्मा किया, ये वो सरजमीन है मेरे अज़ीज़ाने मिल्लत जहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का ऐलान किया गया था, ये वो सरजमीन है जहाँ से हमारे मौजूद उलमाए किराम ने अंग्रेज़ों को इस मुल्क से गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ दिया। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है और मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि मैं आज यहाँ पर आपके दरमियान में आया हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम जिम्मेदारों का जिन्होंने इस जलसे को कामयाब करने के लिए बड़ी मेहनत की और आपका यहाँ पर मौजूद रहना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में एक नई तब्दीली पैदा हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में अब के बाद इंशाअल्लाह ताला मुसलमान अपनी एक सियासी क़यादत को बनाएंगे और मुसलमान मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश की सियासत आप मुझसे अच्छा जानते हैं। पिछले 50-60 साल से मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश ने जरूर भारत की जमहूरियत को और उत्तर प्रदेश की जमहूरियत को मजबूत किया। हमारे बुजुर्गों ने भारत की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपना खून पसीना बहाया, हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया और हमने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को इख्तदार से नवाजा। बरसों आपने कांग्रेस का साथ दिया, उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने लोकदल बनाई, आपने उनका भी साथ दिया, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को आपने वोट देकर कामयाब किया। मैं आपको बतलाने आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब की बार आपको अपनी क़यादत को अपनी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के हालात पर नजर डालेंगे तो भारत की जमहूरियत और उत्तर प्रदेश की जमहूरियत की एक तल हकीकत है, और वो तल हकीकत यह है कि जिस समाज, जिस बरादरी के पास उसकी सियासी ताकत होगी, उसकी लीडरशिप होगी या उसकी क़यादत होगी, उन्हीं उसी समाज के मसाइल को, तकालीफ को सुना जाता है। जिस समाज के पास सियासी लीडरशिप होती है, उस समाज अपने लिए इंसाफ करा सकती है। वो समाज अपने हक का मुतालबा नहीं करता बल्कि अपने हुकूक को हासिल कर लेता है। मेरे आने का मकसद उत्तर प्रदेश को सिर्फ यही है कि मैं हजारों किलोमीटर दूर से अगर यहाँ पर आ रहा हूँ तो अल्लाह सुभाना व तआला मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं कुछ जो जिंदगी का मुख्तसर सा वक्त अल्लाह ने हम तमाम को दिया है, मैं अपनी जिंदगी के वक्त को उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क में मुसलमानों की सियासी क़यादत को बनाने में अपना वक्त लगा रहा हूँ। मुझे आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, मुझे आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। अगर कोई असदुद्दीन अवैसी से इत्तेफाक नहीं रखता, अगर कोई असदुद्दीन अवैसी से नफरत भी करता है, तो मैं उन नफरत करने वालों से जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि मैं मुसलमानों का लीडर नहीं हूँ, ना मेरी कोई ख्वाहिश है मुसलमानों का लीडर बनने का। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि इस हमारे वतन अजीज को, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सींचा, जिसको हमारे मौज़ज़ुल्माए कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर अपनी जानों की अजीम कुर्बानी को दी, ये सरजमीन पे जहाँ पर चप्पे चप्पे पर हमारे असलाफ की निशानियाँ हैं, ये वो सरजमीन है जहाँ पर हमने जहाँ बानी और हुक्मरानी की। आज अगर उसी सरजमीन पर अगर हमारे खून की अहमियत नहीं है, हमारे आंसुओं की अहमियत नहीं है, हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की अहमियत नहीं है, आज उसी सरजमीन में हमारे लिए स्कूल नहीं खोले जाते, हमारे बच्चियों के लिए तालीम का मौसर इंतजाम नहीं किया जाता, आज इसी सरजमीन पर जहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने जहाबानी और हुकूमत की, जहाँ पर उन्होंने इल्म की शमा को जलाया, आज उसी सरजमीन पर हमको इंसाफ के लिए भीख मांगना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उन तमाम हजरात से अपील कर रहा हूँ कि मुझे मत देखो आप इन मसाइल पर नजर डालिए, और अगर ये मसाइल सच है, अगर ये नाइंसाफी हो रही है, तो फिर आपने अपने आप में एक तब्दीली पैदा करने की जरूरत है। आप याद रखिए, जब तक आप भारत में मुसलमान अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएगा, जब तक भारत में मुसलमान अपने वोटों से अपने नेताओं को नहीं बनाएगा, उस वक्त तक मुसलमानों को शिकायत करनी पड़ती रहेगी, उस वक्त तक मुसलमानों की आंख में आंसू आते रहेंगे, उस वक्त तक मुसलमान नौजवान जेल की में अपनी जवानी को बर्बाद करता रहेगा। आज आपको फैसला करना है कि क्या हम वतन अजीज में, क्या हम वतन अजीज में भीख मांगेंगे, क्या हम वतन अजीज में नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के उनके दफ्तर पर जाकर उनसे भीख मांगेंगे कि हमको हमारा हक दो। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताने आया हूं कि हमको अगर भीख मांगना है तो अल्लाह से मांगना है, अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है, हसबुन अल्लाह निमल वकील। अगर हमको अपना हक हासिल करना है, मुत्तहिद हो जाओ, अपने अपने मसलक पर जरूर चलो, मगर याद रखो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि यह मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा, मगर हमारे इस मुल्क में, हमारे इस मुल्क में जो अंधेरा छा चुका है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। मैं आपको मायूस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं आपके सामने खड़े होकर कोई सब बार नहीं दिखा रहा हूं,
मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं जिसमें बहुत सी कमजोरियां हैं, मगर अल्लाह ने जो मुझे काबिलियत दी, जो अल्लाह ने मुझे सोचने और समझने का सलीका सिखाया, जो मैंने अपने बुजुर्गों के पैरों के पास बैठकर दीन और सियासत को सीखा, मैं उस तजुर्बे की बुनियाद पर आपके दरमियान में खड़े होकर अपने दिल में छुपे हुए गम को आपके सामने रख रहा हूं कि भारत के मुसलमानों को एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा, तभी भारत मजबूत होगा, तभी भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, तभी मुसलमानों से इंसाफ होगा। तो आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रख सकते, मैं आपको सलाम करता हूं, आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं आपकी इज्जत करता हूं। इस कौम के सामने, भारत के मुसलमानों के सामने असदुद्दीन ओवैसी की कोई अहमियत नहीं है, मगर मैं जो कुछ कह रहा हूं, जो कुछ मेरी दीवानगी अपनी जबान से आपके सामने कह रही है, इस दीवाने की चंद बातों पर गौर कर लो, इस दीवाने की चंद बातों पर गौर करो ठंडे दिल से, और अल्लाह से दुआ करो, और अल्लाह से दुआ करो कि परवरदिगार अगर ये शख्स सच बोल रहा है तो हमारे दिल में मिलने से इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की मोहब्बत पैदा कर दे। मैं खुलकर आपसे कह रहा हूं, अगर मैं सच कह रहा हूं तो आप दुआ करो अल्लाह से के परवरदिगार अगर ये शख्स सच कह रहा है तो हमारे दिल में उसकी मोहब्बत डाल, उस जमात को तू मजबूत कर दे, सारे मिल्लत के मुसलमानों की इसको सियासी जमात बनाकर रख दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझना है, हमारे मुल्क को आजाद होकर 75 साल हो गए, सब बिरादरियों ने, सब हजरात ने अपनी अपनी सियासी जमात को बना दिया, अपने नेताओं को बना दिया, अगर किसी के पास उसकी वोट की अहमियत नहीं है वो मुसलमान है, अगर किसी के पास उसका सियासी नेता नहीं है तो मुसलमान है, अगर किसी के पास उसकी सियासी लीडरशिप नहीं है तो मुसलमान है, अगर किसी के बच्चों को स्कूल नहीं है तो मुसलमान है, अगर किसी के बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर है वो मुसलमान है, अगर किसी के नौजवान बच्चे ग्रेजुएट कम है वो मुसलमान है, अगर किसी को पुलिस झूठे एनकाउंटर में मारती है तो मुसलमान है, किसी को दहशतगर्दी के नाम पर बदनाम किया जाता है तो मुसलमान है, अगर किसी के 10 गांवों को दहशतगर्द कट्टे कहा जाता है तो मुसलमान है, अगर किसी को नौजवानों को जेल में डालकर उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया जाता है तो मुसलमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मौज़िज़ुल्माए इकराम, इन बातों पर आपको गौर करके एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मगर आपको फैसला करना है। जब आप उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो इन चीजों पर गौर करिए, इन मुतालबात पर, इन इश्यूज पर, इन मसाइल पर गौर करके अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुभाना व तआला आपसे अच्छा फैसला लेने लगाएगा। दूसरी बात, जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर तनखीद की जाती है, क्या तनखीद की जाती है कि मजलिस को अगर वोट देंगे तो फिस्ताई ताकतें मजबूत हो जाएगी, मजलिस पर इल्जाम, अगर मजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, अगर मजलिस को वोट देंगे तो क्या मुसलमान कैसा रहेगा मिलकर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, ना कभी था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी जमात की पॉलिसी किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम तो भारत के ऐसा देश है जिसका कोई मजहब नहीं है, भारत का कोई मजहब नहीं है, ना इस्लाम है, ना हिंदुइज्म है, ना बुद्धिज्म है, ना सिखिज्म है, भारत इन तमाम मजाहिब को मानता है। भारत की खूबसूरती है जब भारत का संविधान ये कहता है कि मुल्क का कोई मजहब नहीं है तो क्यों नहीं हम मिलकर रह सकते। अगर हम मिलकर रहना चाह रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा इल्जाम कि बीजेपी जीत कर आ जाएगी, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप बताइए उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा के इंतखाबात हुए, मजलिस नहीं लड़ी,
तो फिर बीजेपी कैसे जीत गई? 2017 में असेंबली के इंतखाबात हुए, मजलिस 25-27 सीट लड़ी मगर बीजेपी 300 उनके रुकन असेंबली कामयाब हुए, कौन जिम्मेदार? 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, मजलिस नहीं लड़ी उत्तर प्रदेश में, सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, सिर्फ 15 सीट पर कामयाबी हासिल की। बताओ फिर उन तमाम लोकसभा की सीट पर कैसे बीजेपी जीत गई? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके वोट की अहमियत नहीं रही है भारत की सियासत में, आपके वोट मुसलमानों के वोट की अहमियत अब नहीं रही। हमको हमेशा झूठ बोलते रहे हमसे कि मुसलमान एक वोट बैंक है। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात को कहा था कि भारत में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा ना रहेगा, भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा भारत में। अगर कोई कहेगा कि कैसे तुम इस बात को कह रहे हो, भाई मीडिया को डिस्टर्ब मत करिए, आराम से बैठिए, आराम से ठहरिए, आराम से बैठ जाओ। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि वोट बैंक की सियासत ये हमेशा कहा जाता है मुस्लिम वोट। अरे कहां मुस्लिम वोट है? अगर मुस्लिम वोट होता है तो भारत की पार्लियामेंट में 23-24 एमपी सिर्फ क्यों जीत कराते? हमेशा इस मुल्क में कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं था। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी अहम बात मैं आपके सामने जो अर्ज करने आया हूं वो ये है कि अभी हम आ रहे थे, हमारे साथ में हमारे दोस्त ने हमको एक वीडियो दिखाया जिसमें आरएलडी के लीडर ने असदुद्दीन अवैसी के बारे में ये कहा कि असदुद्दीन अवैसी एक फिल्म स्टार का नाम लिए कि असदुद्दीन अवैसी वो फिल्म स्टार है। मैं हमारे आरएलडी के नेता से कहना चाहूंगा, चौधरी जयंत सिंह साहब से, जिन्होंने असदुद्दीन अवैसी को फिल्म स्टार के नाम से कह दिया, जैन साहब ये फिल्म स्टार मेरे पैर की धूल के बराबर नहीं है, मैं इनकी कोई इज्जत नहीं करता। ये फिल्म स्टार 2.5 घंटे के लिए नाचते हैं और क्या क्या करते हैं अल्लाह जानता है, मगर जैन चौधरी याद रखो, असदुद्दीन अवैसी वो काम उत्तर प्रदेश में और भारत में करेगा जो काम चौधरी चरण सिंह ने जाटों के लिए किया था। चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के जाटों को एक सियासी ताकत बनाया। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं उत्तर प्रदेश और भारत के मुसलमानों को एक सियासी क्यादत बनाकर इंशाअल्लाह होगा। ये हमारा मकसद है, ये हमारा मकसद है। और ये लोग क्या समझते हैं कि असदुद्दीन अवैसी के भाषण को सुनने लोग आते हैं और वो भाषण को सुनकर वोट में तब्दील नहीं होता? मैं आज आपसे एक सवाल करूंगा कि आने वाले विधानसभा में जितने लोग आए अपने दिल पर हाथ रखकर सच्चाई से बताइए, क्या आप मजलिस के पतन के निशान पर वोट देंगे नहीं देंगे? आप मजलिस का साथ देंगे क्या? आप पतन को वोट देंगे? सुन लो बोलने वालों, आज तुम देख लो एक तब्दीली उत्तर प्रदेश में पैदा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपनी सियासी क़यादत को बनाएगा और इंशाअल्लाह मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर तीसरी चौथी बात कि हम पर इल्जाम लगाया जाता है बीजेपी की तरफ से, समाजवादी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी सहारनपुर को आए थे ना सहारनपुर को। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या अखिलेश यादव के मंच पर, डाइस पर आपने कोई मुस्लिम नेता को देखा?
क्या आपने अखिलेश यादव के मंच पर कोई मुस्लिम नेता को देखा सहारनपुर में? मैं बता रहा हूँ मुस्लिम नेता कहाँ पर बैठे थे। मेरे पास फोटो है मुस्लिम नेताओं की, मैं डालना नहीं चाहता। वो मुस्लिम नेता किसी दूर एक खेत में दरी बिछा कर बैठे थे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव सहारनपुर को आते और उनके मंच पर मुसलमान नहीं बैठता, उनका नेता किसी दूर खेत में एक पेड़ के साए में दरी बिछाकर फलियां खाकर बैठा था। के नेता जी जब भैया जी जाएंगे हाईवे पे गाड़ी रोक कर नमस्ते कर लेंगे। आप बताइए, जो अपने मंच पर मुसलमानों को नहीं बिठाता, तो आप कल समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे नहीं नहीं, कल आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने एक मुस्लिम नेता को बिठाया था। तो हाँ बिठाया था, 80 साल का एक एमएलए आजमगढ़ का किस पर बिठाया? मंच पर, स्टूल के ऊपर बिठाया उसने, स्टूल के ऊपर बिठाया तुमने और सबको सोफे के ऊपर बिठाया। मेरे जहां पर तुमको मंच पर जगह नहीं है बैठने की, और अगर बैठने की जगह है तो स्टूल पर बिठाया जाता। मैं उन मुस्लिम कायदीन से कहूंगा कि छोड़ो समाजवादी पार्टी को, तुम असदुद्दीन ओवैसी के कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुमको उठाकर ले जाने के लिए तुम मेरे कंधे पर खड़े हो जाओ, तुम मेरे बाजुओं पर खड़े हो जाओ, तुम पर मेरी जिंदगी कुर्बान, अगर मेरी लाश भी तुमको फायदा पहुंचाती तो इस्तेमाल करो। अगर एक सियासी ताकत बनो, एक सियासी कुव्वत बनो, याद रखो अजीजाने मिल्लत, मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से भीख मांग रहा हूं। 60 साल हो गए मेरे अजीज दोस्तों, एक तब्दीली पैदा करना पड़ेगा आपको, एक तब्दीली पैदा करना पड़ेगा आपको। अब नहीं चलने वाला ये सेकुलरिज्म का झूठा नारा, अब नहीं चलने वाला ये सेकुलरिज्म की तमाम झूठी बातें। सेकुलरिज्म के नाम पर अगर किसी को धोखा दिया गया तो उस कौम का नाम मुसलमान है। सेकुलरिज्म के नाम पर अगर किसी को गरीबी उसका मुकद्दर बना दिया गया तो तमाम सियासी पार्टियां हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपसे मैं अपील करने आया हूँ कि मुत्तहिद हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, अपनी जमात से वाबस्ता हो जाइए, अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए। कोई नेता आसमान से नहीं आएगा, कोई नेता जमीन से निकल कर नहीं आएगा, मगर ये अल्लाह की जमीन पर जो हम हैं, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया, सोचने और समझने का सलीका दिया, उसको इस्तेमाल करो। कौन है हमारा नेता देख लो आप, कहाँ है तुम्हारी आवाज? तुम खुद ढूंढ रहे हो अपनी आवाज को सुनने के लिए, तुम अपनी एक ऐसी आवाज को सुनने के लिए तड़पते हो जो तुम्हारे दिल में छुपे हुए दर्द और तकलीफ को बयान कर सके। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मल्ले सत्यहाद और मुस्लिमीन को आप कामयाब करिए, सेकुलरिज्म मजबूत होगा, मजलिस के अगर कैंडिडेट कामयाब होते हैं, देश मजबूत होगा अगर मजलिस के एक सियासी क़यादत आप बनाते हैं। देश को ताकतवर कैसे बनाएंगे आप जब भारत की सबसे बड़ी अकलियत 14% मुसलमान का कोई सियासी नेता नहीं, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उसकी कोई वोट की अहमियत नहीं है। क्यों वोट की अहमियत नहीं है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने यह बता दिया आपको कि वो आपके वोट के बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं। ठीक है वो बना रहे, तो क्या तुम अपने उत्तर प्रदेश में 20 एमएलए को नहीं जिता सकते? क्या 20 को नहीं जिता सकते? क्या 20 एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते? जब 300 एमएलए बीजेपी के जीतते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान खालिस अपने वोट से 20 एमएलए को कामयाब क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सिर्फ हौसले की जरूरत है, एतमाद की जरूरत है, बहादुरी की जरूरत है, और बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करो। जब तुम्हारी क़यादत बनेगी तो तुम्हारा हक उस पर पहुंचेगा, वो दौड़ता हुआ तुम्हारे दरमियान में आकर खड़ा हो जाएगा। मगर अगर आप किसी और पार्टी के एमएलए को वोट देंगे तो वो उस पार्टी का मोहताज रहेगा, वो उस पार्टी जो कहेगी उस पर अमल करना पड़ेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मंगलिस के विधायक एमएलए जब जीतेंगे उन पर कोई रोक टोक नहीं होगा, खुली तरह उनसे कहा जाएगा कि बेबाक होकर मजलूमों की आवाज उठाओ, बेबाक होकर इंसाफ का मुतालबा करो, बेबाक होकर जालिम से पंजा आजमाई करो,
दयानत। जिंदगी एक ही बार अंदा देता है, जिंदगी का सही इस्तेमाल करो। जब तुम और हम कब्र में जाओगे तो तिश्नगी नहीं रहना कि काश मैं मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा कर लेता। मैं तुमसे कह रहा हूं, उस तिश्नगी को मिटा दो और मजलिस का साथ दो, आप देखोगे कि तब्दीली पैदा होगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पर इल्जाम लगाने वालों पर मैं एक ही बात उनसे कहूंगा कि मजलिस पर इल्जाम आप लगाते हैं, मैं मुसलमानों के इंसाफ की बात करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे गयूर कौम के नौजवानों, आप बताइए कि गोरखपुर में एक गुप्ता साहब का पुलिस कस्टडी में उनको मार मार कर कत्ल कर दिया जाता है, हमने भी उसकी मजम्मत की, और उत्तर प्रदेश के योगी बाबा ने क्या किया? बाबा ने ये किया, बाबा फौरन गोरखपुर चले गए, बाबा फौरन पीड़ित परिवार से गुप्ता साहब के खानदान वालों से मिलने चले गए, कहा 50 लाख रुपए दूंगा। पुलिस को ऑफिसरों को सस्पेंड किया। अखिलेश यादव क्या किए, वो भी गुप्ता परिवार के पास चले गए और 21 लाख रुपए का चेक दिया। यहां आपको बता और इसलिए रहा हूं कि देखो ये नाइंसाफी, इंसान जब मरता है तो इंसान होता है, मौत तो इंसान की हुई है, जालिम ने एक इंसान की जान ले ली, मगर उसका नाम अगर गुप्ता होगा तो उसकी जान की अहमियत है। जिसका नाम फैसल होगा, जो उन्नाव में तरकारी बेचता था 18 साल का बच्चा, नहीं है, मैं गालियों के लिए नहीं कह रहा हूं, सुनने के लिए कह रहा हूं। अगर तुम्हारे दिलों में धड़क धड़ा दिल है तो बच्चे के लिए आंख में आंसू लाओ। उसके पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, तरकारी बेचता था गरीब बच्चा, मगर कोई उसके पास नहीं गया, कोई उसके पास नहीं गया, क्यों? उसका नाम फैसल था और वो मुसलमान था। कोई 50 लाख का वादा नहीं, कोई 21 लाख का चेक नहीं, कोई पुलिस वाले को सस्पेंशन नहीं, क्यों? क्योंकि गुप्ता के ओट की अहमियत है, तुम्हारे ओट की कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी जान की अहमियत नहीं है, तुम्हारे आंसुओं की अहमियत नहीं है। और तुम ये समझ रहे हो कि तुम बादशाह घर हो, नहीं हो तुम। तुम बादशाह घर उस वक्त हो गए जब 19% एक शीशा पिलाही दीवार की तरह मुतहद हो जाओगे। तो अगर तुम्हारे बच्चे के सर के बाल पर आ जाएगी तो लड़ेंगे तुम्हारी खौफ से, तुम्हारे इतिहास के खौफ से परेशान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मिसाल आपके सामने, आप बताइए क्या क्या नहीं हो रहा है। ये वेस्टर्न यूपी है, कई एनकाउंटर में मुसलमानों को पुलिस ने गोली मार दिया। एक मशहूर जर्नलिस्ट है जिसका नाम मोहतरमा नेहा दीक्षित है, कोई कहेगा कि वो ऐसी झूठ बोल रहा है, जाओ वो जर्नलिस्ट की रिपोर्ट पढ़ लो, जिसने कहा कि सबसे ज्यादा मारने वालों को एनकाउंटर में मुसलमान थे, जेल में घुसकर गोली मार दी गई। आप बताओ फिर कौन से आप सकल असम की बात कर रहे, कौन से आपके वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं? उठो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, ये वक्त काबे गफलत सोचने का है। अपने दिमागों से उन जालों को निकालो जो तुम ये समझ रहे हो कि हालात सब सही है, नहीं है, हालात सब सच सही नहीं है। हालात उस वक्त सही होंगे जब आप एक करवट लेंगे। जिस तरह इस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने बाकिल ताकतों और कुतूफानों के सामने क्षमा को रोशन किया था, आज उस क्षमा की रोशनी पूरे आलम में फैल चुकी। क्या तुम एक सियासी क्षमा को नहीं रोशन करोगे अपने इतिहास की ताकत पर? क्या तुम एक क्षमा को नहीं रोशन करोगे ताकि तुम्हारे आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके? मैं तुमसे सिर्फ यही बोलने आया हूं, यही कहने आया हूं, अगर किसी को मेरी बात खराब लगती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूं, मेरी जबान ऐसी है, मगर सच्चाई का बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मौज़ज़ुल्माए किराम असदुद्दीन अवैसी सिर्फ यही आपसे गुजारिश करने आया है कि मैं यहां पर अपने लिए नहीं आया हूं,
उतनी दूर से नहीं आया हूं। हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इल्जाम लगते हैं, लगते रहेंगे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। तारीख गवाह है, अगर कोई सीरतुन नबी की किताब को पढ़ेगा तो इल्जाम भी है। मक्के की सरजमीन पर जिसमें मुबारक पर ऊंट की उजड़ी भी डाली गई, ताइफ का सफर भी है, अहद का मैदान भी है, और उसके बाद फतेह मक्का भी है, और होगा इंशाअल्लाह होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, और अपने इन दो बाजुओं पर भरोसा रखिए, और अपने कुव्वत पर, अपने फैसलों पर पूरा इतमाद। जब आप अपने फैसलों पर पूरा इतमाद करके फैसला लेंगे, यकीनन तब्दीली पैदा होगी। अगर आप डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे तो कहां फैसला ले सकते। यही सहारनपुर में किनकी गांव में मौला महमूद मदनी साहब ने एक यूथ क्लब बनाने का प्रोग्राम बनाया, और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का नौजवानों के लिए वहां का बीजेपी का एमएलए काम को रुकवा देता है। कोई मदरसा नहीं बन रहा था, कोई मस्जिद नहीं बन रही थी, और ये काम हो रहा था तो उस काम को रुका दिया। आप बताइए फिर क्या है, कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं। उठिए एक तब्दीली पैदा करिए। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी को आपने 14 में वोट दिया, बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सके। 17 में वोट दिया, बीजेपी को रोक नहीं सके। 19 में वोट दिया, आपने रोक नहीं सके। अब आप बताइए क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? क्या इतने बड़ी तादाद में 300 बीजेपी के एमपी जीत रहे हैं? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के मुसलमानों में सिर्फ 6% मुसलमानों ने 14 में और 19 में बीजेपी को वोट दिया, और 94% ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। तो भारत के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि अपने वोट की अहमियत को समझो, अपने वोट की अहमियत को समझो। अगर तुम अपना वोट अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करोगे, अगर तुम अपना वोट अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करोगे, तो ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी जो मुसलमानों को अपना गुलाम और कैदी समझते हैं, इनके दिमाग जो आसमानों पर है, जमीन पर आकर तुम्हारे पैर पर गिरकर भीख मांगेंगे। मगर ये जानते हैं, ये तमाम कांग्रेस, ये समाजवादी क्या कहते हैं, कहां जाएगा मुसलमान। तंज के दौर पर कहते थे मुझे, जब मैं पहली मरतबा एमपी बनकर गया 2004 में, ये तमाम पार्टी के लोग कहते थे, जब मैंने महाराष्ट्र से अपने सियासी सफर का आगाज किया, नांदेड़ की सरजमीन पर कामयाबी मिली, तो ये तंज करते थे, ओएसी मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय हमारे, और तुम नहीं जानते मुसलमान सिर्फ हमको ही वोट देता है। अगर मुसलमान को बीजेपी को रोकना है तो हमको वोट देगा, वो हमको छोड़कर नहीं जाएगा। किसी ने कहा कि सो दिन ओवैसी हमने मुसलमानों के दिमागों पर कब्जा करके रख लिया, किसी ने कहा कि हमने मुसलमानों के दिलों में खौफ को पैदा कर दिया, किसी ने कहा कि हमने मुसलमानों को एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया कि वो अपने हक के लिए फैसला नहीं लेगा जब तक कि हमसे ना पूछ ले, क्योंकि हम उसके सियासी आका हैं। मैं आपसे कहने वाला हूं कि हमारा कोई सियासी आका नहीं है, हमारा कोई हकीकी में आका है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम किसी के गुलाम हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अगर हम किसी के आस्ते दिल में मोहब्बत रखना है तो रहमतुल आलमीन के लिए मोहब्बत रखना है, किसी से डरना है तो रब्बे कायनात से डरना है, इन दो टांग के जानवरों से, इन इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से नहीं डरना है हमको। जमहूरियत है, जमहूरियत आपको हक देती है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें, वोट आपका है,
एक अमानत है और ये मैंने जिम्मेदारों की जबान से सुना। इस अमानत को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? इस अमानत को आप जालिमों को जुल्म करने के लिए देंगे? इस अमानत को आप उन लोगों के हवाले करेंगे जो आप हमारे बच्चों को स्कूल से महरूम रखती है? क्या आप उनको वोट देंगे? ये अमानत है और याद रखो मेरी इस बात को, जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का मसला पैदा हुआ, जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया, आपके ऊपर छोड़ता हूं, किसने 3 मरतबा मोदी ने पार्लियामेंट में बिल लाया तो 3 मरतबा किसने दलाल के साथ मुल्क के आईन और संविधान के दायरे में रहकर उस कानून की धज्जा किसी लड़ाई तो उसका नाम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन, बल्कि ये जिस सरजमीन से आज असदुद्दीन ओवैसी को बोलने का मौका मिल रहा है, ये उलमाओं की सरजमीन, यही यहां से कांग्रेस के एक मरहूम MP साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में मुकाम अता करे। जब मैंने जाकर उनसे पूछा कि मौलाना आप तो MP भी हैं और आलिम दीन भी हैं, आपने क्यों नहीं बोला ट्रिपल तलाक? मेरे आंख में आंसू थे कि मौलाना आपने क्यों नहीं बोला? आप तो आलिम दीन हैं, कहा अल्लाह कहा रसूल अल्लाह आपके सीने में। तो मौलाना ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि क्या कहूं, मेरी पार्टी के लोगों ने मुझे रोक दिया बोलने के लिए, आप बताओ फिर कौन बोलेगा? आप कहेंगे नहीं ये दीवाना है, ऐसे कहेगा नहीं, मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि मुझसे बेहतर हजारों की तादाद में बोलने वाले पैदा हो जाए, जो पार्लियामेंट और उत्तर प्रदेश के असेंबली में जाकर उत्तर प्रदेश के दोनों दीवार को हिला के रख दे आपके इंसाफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक का कानून ये बना तो दिए मोदी, बना तो दिए, मगर क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ? मैंने उस वक्त भी कहा था देश में अगर कानून बनाना है महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए, वो कानून बनाइए जो शख्स शादी तो करता है मगर बीवी उसके घर में नहीं रहे, जो शख्स शादी तो करता है मगर बीवी को भगा देता है। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा था कि तुम आज ये जो गलत काला कानून बना रहे हो, जो हमारी शरीयत में मदाखलत कर रहे हो, देखना मुल्क में लोग अपनी बीवियों को अपनी पत्नियों को घरों से मार कर निकाल देंगे, उनका हक नहीं देंगे। तो तमाम लोगों ने मुझ पर हंसा, आज वही दुनिया देख रही है, शादी शुदा है मगर बीवी घर में नहीं है। आपको मालूम भारत में ऐसे 32 लाख महिलाएं जो शादी शुदा है मगर अपने पति परमेश्वर के साथ नहीं, बताओ बीजेपी वालों ये सच है या झूठ है बताओ? हम पर इल्जाम लगाने वालों सुन लो, एक और भड़काव भाषण हो रहा है, बताओ बीजेपी वालों क्या ये बात सच नहीं है कि पति पति के साथ पत्नी नहीं है? क्यों नहीं है? आपको चाय बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम वो चाय बना, मगर इस पर भी अब शाम में 6 बजे से ये मीडिया वाले हमारा निकाह शुरू कर देंगे। ओवैसी ने इनके बारे में ऐसा कह दिया, मैं तो कहा कि चाय बनाने में मदद मिल सकती है, बगैर दूध की पीता हूं अच्छा लगता है, हमारे घर में खाली चाय मिलती है, बाकी सब हमको करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास मामला ये है कि ज्यादा हम बोलते हैं तो घर में हमारी जबान नहीं चलती, हमारा इख्तियार सिर्फ चाय पर रुक जाता, मगर वो ये बेचारे तो उससे भी महरूम है। ट्रिपल तलाक का कानून 3-3 मरतबा आया, क्या कहा दूसरे पार्टियों ने, उठाकर रिकॉर्ड देखो समाजवादी पार्टी ने क्या कहा था, उठाकर रिकॉर्ड देख लो कांग्रेस ने क्या कहा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अपने बात दिल से निकाल दो कि नहीं ओवैसी है, नहीं ओवैसी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो क्या तुम मुझसे बेहतरीन काबिल लोगों को नहीं पैदा करोगे?
ये आपका काम है और इंशाल्लाह अल्लाह पैदा करेगा। आप नहीं करेंगे तो अल्लाह पैदा करेगा, मुझे यकीन अल्लाह की जात पर इंशाल्लाह ताला। अल्लाह इस कौम को कभी महरूम नहीं रखेगा, अल्लाह मुझसे ज्यादा काबिल लोगों को पैदा करेगा। हमको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है। हमको अल्लाह की जरूरत है, हम अल्लाह से भीख मांगते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर CAA का कानून आया, CAA का कानून आया। किसने उस कानून के खिलाफ, उस कानून को काला कानून कहा? पार्लियामेंट गवाह है, दुनिया गवाह है कि अल्लाह सुभाना व तआला ने मजलिसे इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को यह एजाज बख्शा। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेरे दिल में इस बात को डाला कि मैंने बीजेपी के 300 MP के सामने, अमित शाह के सामने खड़े होकर कहा कि गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म साउथ अफ्रीका के कानून के खिलाफ उसको फाड़ दिया था, आज वैसी तुम्हारे कानून को फाड़ दिया। ये समाजवादी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? हम जब कानून को फाड़े तो सबके सब ने नजरें नीचे कर लिए, बोले ये क्या कर दिया तुमने, ये क्यों फाड़ा तुमने? हमने कहा हमने इसलिए फाड़ा क्योंकि दिल बोल रहा था, संविधान पुकार पुकार कर कह रहा था ये काला कानून है जो मजहब के नाम पर नाइंसाफी कर रहा है मुसलमानों। आप कुछ नहीं बोलेंगे मगर वोट का वक्त इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे वोट हमको दे दो। आप कहेंगे कि अखिलेश ओवैसी तो कानून को फाड़ा, तो अखिलेश बोलेंगे वो हो गया मगर नेता हम है तुम्हारे, तुम्हारा काम हमको वोट देना है। आप पूछेंगे अखिलेश समाजवादी कांग्रेस UPSP जब 53 लाख का कानून आया तो बोलेंगे हाँ वो मुसलमान है वही तो बोल सकता, हम काहे बोलेंगे, मगर जब हमारा वोट आएगा तो हमको लेंगे ना वोट हमसे, उस वक्त कुछ नहीं कहेंगे। और फिर ये समाजवादी पार्टी, मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से, जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया तो क्या शिवसेना ने नरेंद्र मोदी हुकूमत का साथ नहीं दिया CAA कानून में? और यही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अखिलेश यादव उद्धव ठाकरे की हुकूमत का साथ दे रहे हैं। बताओ समाजवादी पार्टी में बैठने वालों, क्या मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की हुकूमत को तुम्हारी पार्टी ने साथ नहीं दिया? CAA के कानून में जो भारत के मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना चाहते थे आपने उनकी तायीद की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अमित शाह का लाया काला कानून, ये मोदी की हुकूमत का लाया काला कानून। मैं सलाम करता हूं भारत के मुसलमानों को, मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश, सहारनपुर और तमाम भारत के इलाकों के मुसलमानों को, और खास तौर से हमारी बहादुर माओं और बहनों को जिन्होंने CAA कानून के खिलाफ एहतजाज किया, रोड पर निकल कर आ गए, शाहीन बाग बनाया। मैं सलाम करता हूं आपको। और योगी अमित शाह और मोदी को कह रहा हूं, दोबारा NPR NRC की बात होगी तो फिर हम निकल कर आएंगे इंशाल्लाह। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं देखिए आप। अमित शाह उत्तराखंड में कल तकरीर किए, देश का होम मिनिस्टर है, वजीरे दाखला है, उत्तराखंड में जाकर अमित शाह अनार शनाब तकते और कहते हैं कि मुसलमान रोड पर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, रोड पर पढ़ते हैं और ट्रैफिक को रोक देते हैं। अमित शाह साहब, अगर हम जबान खोलेंगे ना तो बहुत सी बातें बता सकते हैं आपको, रोड पर क्या क्या होता है, रोड पर क्या क्या होता है बता सकते हैं। मगर आपको तकलीफ क्यों? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर भारत में
जुमे के दिन अगर किसी मुसलमान को नुकसान होगा अमित शाह तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने तकरीर करके अपने उन गुलामों को हुक्म दिया है कि जुमे की नमाज में मुसलमान ऐसा करता है। आपकी जिम्मेदारी होगी अगर जुमे के दिन किसी मुसलमान का बाल गिर रहा जाएगी। इस तरह का बयान एक होम मिनिस्टर देता है, एक हकीर उतरा उत्तराखंड के इलेक्शन को जीतने के लिए। इतनी नफरत क्यों रखते हैं मुसलमानों से बीजेपी वालों? आप तो संविधान पर वोट लिए ना, आप तो संविधान पर हलफ लिए जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, और उस संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया गया। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, मगर अमित शाह नफरत की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही अमित शाह और योगी मोदी की हुकूमत ने यूएपीए का कानून लाए। क्या इस कानून में समाजवादी ने वोट नहीं दिया? क्या कांग्रेस ने साथ नहीं दिया? मैं खड़ा हुआ, इम्तियाज जलील खड़े हुए, हमने इस कानून के खिलाफ वोट दिया। कांग्रेसियों से कहा कि शर्म करो, तुम डूब मरो। मैंने पार्लियामेंट में कहा, कांग्रेसियों की तरफ हाथ बताकर कहा कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारे बड़े बड़े कायदीन जेल को जाए और पांच पांच साल जेल में सड़े, तब तुमको मालूम होगा मुसलमान की तकलीफ क्या हो। यूएपीए का कानून कांग्रेस ने तायद कर दी, समाजवादी पार्टी क्या मौकफ है आपका बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मोदी हुकूमत अब एनपीआर एनआरसी की तैयारी कर रही है। ये जो कानून है पैदाइश का और मौत का, उसमें तब्दीली ला रही है। 1969 का जो कानून है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ का, मोदी एनपीआर एनआरसी इस तरीके से लाना चाह रहे हैं कि ये जो अगर कोई पैदा होता है या किसी की मौत होती है, वो रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है उसका रजिस्ट्रेशन करना। संविधान में कंकरेंट लिस्ट में आता है, मगर मोदी हुकूमत एनपीआर एनआरसी को लाने के लिए वो कानून में तरमीम करके कह रही है कि इलेक्ट्रोल रोल होगा, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ये तमाम मरकजी हुकूमत अपने अख्तियार में लेना चाह रही है, जो आर्टिकल 324 के खिलाफ है। एनपीआर के जो रूल्स हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मगर मेरे अजीज दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के पुट्टुस्वामी जजमेंट के भी खिलाफ है। आप मेरी पैदाइश और मेरी मौत को मेरे आधार कार्ड से नहीं जोड़ सकते, आप मेरे वोटर कार्ड से इलेक्ट्रोल कार्ड से नहीं जोड़ सकते। ये साजिश मंसूबाबंद तरीके से मोदी कर रहे हैं। और आप आधार कार्ड, लोग कहेंगे कसौटी नवैसी तुम डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई का बयान कर रहा हूं, इसकी मिसाल दे रहा हूं। तस्लीम नामी एक शख्स यूपी का मध्य प्रदेश में चूड़ियां बेचने गया, एक महीने से जेल में, उसके आधार कार्ड में सिर्फ नाम के स्पेलिंग की गलती है, तो एक महीने से जेल में तस्लीम है। याद रखिए, एनपीआर होगा तो एनआरसी हो जाएगा, और जब एनपीआर होगा तो सहारनपुर के तहसील ऑफिस पर नाम लगाया जाएगा सऊदीन ओवैसी का, और तहसीलदार नाम देखेगा सच तो कहेगा तू प्रूफ कर दे कि तू भारत का शहरी है, और भारत के शहरी के लिए प्रूफ करने के लिए मुझे अपने मां बाप की पैदाइश को बताना पड़ेगा, उनका डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अगर मैं वो कर भी देता हूं, उसके बाद तहसीलदार एक और लिस्ट लगाएगा, तो ये पूरे संघ परिवार के लोग जाकर कहेंगे नहीं, हमको फिर ऑब्जेक्शन है सबके नाम पर, फिर हमसे पूछताछ शुरू हो जाएगी। याद रखिए, मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं, इसको रोकना है, और कोई पार्टी इसकी बात नहीं कर रही है, ना कांग्रेस, ना समाजवादी, ना बीएसपी, ना आरएलडी, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर किसी के घर के सामने आकर कोई नारा लगाता था कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, तो मेरा घर था, तुम्हारा घर नहीं था। मेरे घर के सामने आकर नारे लगाए जाते, मुझे आज भी गालियां दी जाती, क्रिकेट मैच हारते तो एक मुसलमान को पर इल्जाम लगा दिया जाता,
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी क़यादत को बनाइए, मुझे मत देखिए, अपने आप को देखिए, अपने अपने मसाइल को देखिए, इस आने वाले चैलेंजेस का कैसे मुकाबला करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और यहां पर उत्तर प्रदेश में बाबा की हुकूमत है, कोई काम आप बाबा से जाकर बोलो, अरे बाबा यहां पर सहारनपुर में लिख कर लाया हूं, वरना बाबा बोलेंगे वो ऐसी झूठ बोला। बाबा ने क्या कहा, किसी एक टीवी चैनल पर हम थे तो टीवी चैनल के एंकर ने हमसे पूछा कि योगी जी ने कहा कि ओवैसी अगर सिखों की भी बात कर देते और दूसरे समुदाय की बात करते तो देश के नेता बन जाते। हमने कहा हमको बाबा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बाबा किसी और के लिए दुकान खोलकर बैठे। बाबा से हम ये पूछना चाह रहे हैं, बाबा वो जो लखीमपुर में जो चार लोग जिसकी गाड़ी उनको मारी थी, उसमें दो सिख हमारे भाई थे, आप क्यों नहीं गए बाबा उन सिखों के घर पे? आपको जाना चाहिए था ना बाबा? बाबा आपको सिखों से मोहब्बत नहीं है? तुम हमसे पूछ रहे हो, बाबा हमको सिखों से इतनी मोहब्बत है कि आपने सहारनपुर में जब गुरुद्वारा और मस्जिद का मसला पैदा हुआ था ना, तो आपने कहा ठीक है बनाओ, हमको जमीन की जरूरत नहीं है, हम और एक जगह बनाएंगे। सिखों के लिए मदद की ना हमने? बाबा ने क्या किया? बाबा ने कहा नाम बदल दो, ज्यादा बोले तो ठोक दो। बाबा को कुछ समझ में आता ही नहीं है, बाबा खाली नाम बदलने पे हैं। बाबा सुबह उठते बोले नाम कितने बदले गए, उनको उतनी फिक्र। अच्छा बाबा ये बताओ, सहारनपुर में और जौनपुर में मुसलमान 10% है, सहारनपुर में 40% के ऊपर है ना? अब आप ये बताइए, सहारनपुर में खाली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर 60 क्यों है और जौनपुर में 85 क्यों है? क्यों है बाबा ये क्यों है? और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जौनपुर में 22 और सहारनपुर में सिर्फ 14? बाबा आपको सहारनपुर से इतनी नफरत क्यों है बाबा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात हम जब करते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है, फिर हमसे बोलते नहीं हो मोदी जी तो सबका साथ सबका विश्वास क्या बोलते हैं। हम इनसे आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ने घर बनाने की स्कीम ग्रामीण में 3 साल में करीब, अगर मैं गलत ना कहूं, मेरे आज की एक एप्लीकेशन है, जितने भी घर मंजूर हुए, मैं बाबा से मोदी से पूछ रहा हूं मुझे 20 घर दिखाओ जो तुमने मुसलमानों को दिए, 20 घर दिखाओ जो तुमने मुसलमानों को दिए। मंजूर तो कर दिए मगर घर किसी को नहीं मिला। मोदी जी ने क्या कहा था लखनऊ को आकर कि 18 लाख दिए जलाओ, दिए जलाओ। मोदी जी हमारे घर में भी तो हमको रोशनी चाहिए ना, जो आप अंधेरा पूरे मुल्क में कर रहे हैं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नाम पर, कौन सी स्कीम में आपने दिया मुसलमानों को बताओ? हम कह रहे पार्लियामेंट में स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन करो, उस पर कोई बात नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक लंबी फहरिस्त है ना इंसाफियों की, मेरी आज से सिर्फ यही गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, अपनी जमात से वाबस्ता रहिए और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हाँ योगी आदित्यनाथ सब पर देशद्रोही का मुकदमा लगा देते, नहीं वो क्यों पटाखे फोड़ा, वो क्यों खुशी मनाया? अरे बाबा देशद्रोही का मुकदमा उसी वक्त लग सकता है जब तशद्दुद होता है,
और ये यूपी की हुकूमत मुजफ्फरनगर के फसादात में आजादी के बाद 50,000 मुसलमान अपने घर बार को छोड़ दिए, जिन पर मुकदमे आयद हुए, साथियों के ऊपर 1,000 मुकदमे कोर्ट में खत्म हो गए। अखिलेश यादव की सरकार सीधा जब हम कैंपों में सर्दी में कर रहे थे तो अखिलेश यादव सैफई में बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर नाच गाना देख रहे थे। जब हमको ओढ़ने के लिए रसाई नहीं मिल रही थी तो अखिलेश यादव की सरकार ने बुलडोजर लगा दिए। अब बाबा ने कहा कि जब अखिलेश ने ऐसा किया तो मैं उससे बढ़कर करूंगा, और 70 से जायद मुकदमे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बीजेपी के फायदीन से निकाल दिए के ऊपर से डाल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही जंग गुजारी साथ मैंने अखलास के साथ आपके सामने रखा है। मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए भी दुआ करिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए भी दुआ करिए। ये नहीं बोलेंगे अखिलेश नहीं बोलेंगे, कांग्रेस नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते। लफ्ज मौलाना जो आता है बोलते नहीं नहीं हमारा मौलाना है, वो का मौलाना है, हमारे अब्बा मौलाना है बोलेंगे, मगर झूठे केस में उनको डाल दिया गया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह इन जालिमों को जलील और रुस्वा करेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि पूरे देश के यूनिवर्सिटियों को खोलिया। अरे जलसे हो रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली हो, जे सबको खुजेंगी हो, खोलिए, यूनिवर्सिटी को खोलने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, मजलिस को मजबूत करिए, जो मजलिस का उम्मीदवार होगा उसके लिए दुआ करिए और अपनी क़यादत को बनाइए। मैं आपसे ही गुजारिश करने आया हूँ, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो मुसलमान आज कमजोर है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कल उनको इज्जत से नवाजेगा, उनको अल्लाह ताकत देगा, इस माशरे में अल्लाह उनको मुकाम देगा और हम अपने अस्मत रफ्ता को बहाल करके आएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर।